क्वेश्चन नंबर 159, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटीज एट डिस्टेंसेस एक्स वन एंड एक्स टू फ्रॉम द मीन पोजिशंस आर वी वन वी टू रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड टाइम पीरियड्स। हमें इस क्वेश्चन में सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर दो डिस्प्लेसमेंट्स आपको दे रखे हैं और उनके करस्पॉन्डिंग उनके वेलोसिटीज आपको गिवन है, और क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन अगर लिखा जाए तो लिखा जा सकता है वी इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको स्क्वायरिंग करके अगर लिखा जाए तो प्लस माइनस यहां से हटना है और ये होगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें दो वेलोसिटीज दे रखी है और दो डिस्प्लेसमेंट, दो डिस्टेंस आपको मीन पोजिशन से दे रखी है, तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूं कि वी वन इक्वल्स टू वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। और फोर्थ सेकंड डिस्प्लेसमेंट अगर लिखा जाए तो v2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। दो इक्वेशन से दोनों को हमें सोल्व करना है, तो हम लोग मार्क करते हैं फ्रॉम वन इक्वेशन माइनस टू इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में से टू इक्वेशन को माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। सो वी गेन गेट ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर अपॉन एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। और वी हैव टू फाइंड टाइम पीरियड। नाउ टाइम पीरियड इज इक्वल टू गिवन टू पाई अंडर रूट एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल अपॉन वी वन स्क्वायर अपॉन वी टू स्क्वायर बन जाता, और इसलिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट, करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। इन क्वेश्चन नंबर 160, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए शिप इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्टवर्ड, तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन बनेगा, ये आपका वेस्ट बनेगा, ये आपका बनेगा साउथ, एंड दिस डायरेक्शन विल बी ईस्ट। शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी आपकी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। एंड शिप बी, ये आपका शिप ए है, शिप बी जो है वो आपके साउथ डायरेक्शन में है 100 किलोमीटर, तो इसको आप 100 किलोमीटर रहेगा ये, और ये किस तरफ जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में विद सेम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। सो सबसे पहले हम इसकी वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए हम कैलकुलेट करते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए विल बी इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। सो शॉर्टेज डिस्टेंस विल बी, इफ यदि हम ए से परपेंडिकुलर डालते हैं इस लाइन पर, तो शॉर्टेज डिस्टेंस जो होगी वो इस पॉइंट तक होगी। ये हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, यदि हम इस ट्राइंगल से देखें देन दिस डिस्टेंस विल बी 100 डिवाइडेड बाई रूट टू, दैट कम्स आउट टू बी 50 रूट टू। सो टाइम टेकन विल बी 50 रूट टू डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का अंडर रूट, सोल्व करने पर ही आएगा 5 आवर्स। तो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन 1।